Hello candidates and welcome to Government Trackers. In this session we are targeting FCAT 2 2021 where we'll be discussing about the topics like fixed and assured sure shot topics by studying which in the last days you can easily score 60 plus marks in your current affairs section which will really help you to clear the examination. So you only need to study these 10 topics in your last 10 days whether you have done preparation or not. Agar aap itna bhi karke jate hain, I assure you ki at least 50 plus ya 55 plus to aap easily gain out kar sakte hain current affairs ke section mein. So isi tarah ki information updates ke liye subscribe kare YouTube channel Government Crackers ka and keep getting the latest information and updates about me. My name is Kavita. I've been giving examinations CDS and FCAT and have been recommended by both Army and Air Force. And today I'm sharing my strategy that how in the last initial days I scored and cleared the FCAT examination with highest marks 232. So talking about the FCAT examination, last 10 years ke analysis ke behalf pe, I'll be showing you some results which I've shortlisted. Marks, you all know ki 32 questions are from reasoning section for 96 marks, numerical ability 1854 marks, general awareness yahan hamara target hai which is 25 questions and 75 marks here, theek hai, and then English is again 75 marks. Now if I talk about only this particular portion of general knowledge, 75 marks, theek hai, isme agar aap in topics ko padhte hain at least 50, 55 plus or 60 plus you can easily achieve depending upon your प्रिपरेशन. सो अगर यहाँ से इतने मार्क्स मिल जाते हैं 96 यहाँ से, सो आप दो सेक्शंस को इवन क्लियर करने के बाद इजीली जो है वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं FCAT की. रिमेनिंग इंग्लिश से आपका जो स्कोर है वो स्कोर बूस्टर की तरह काम कर सकता है. एंड इफ यू कंप्लीटली लीव दिस मैथ सेक्शन देन ऑल्सो विथ फ्लाइंग कलर्स यू आर गोइंग टू क्लियर द FCAT एग्जामिनेशन. सो टारगेट कभी भी एग्जामिनेशन के लिए जब हम देते हैं तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें या सारे टॉपिक्स को कवर करें. द टारगेट इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन इजीली. तो जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं हमें प्लान एंड स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. सो हियर नाउ टॉकिंग अबाउट द 10 इयर्स रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन द करंट अफेयर सेक्शन. अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बताऊं, सो यू मस्ट बी फेमिलियर अगर आपने एग्जाम दिया. अगर नहीं दिया तो आई एम गोइंग टू टेल यू द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो FCAT में पूछे जाते हैं विथ वेरी सिंपल एमसीक्यू टाइप. जैसे कैपिटल पूछ लिया, मुगल एम्पायर का कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया, इट इज ऑल अबाउट पीस एंड मूवमेंट्स, देन प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टर्स इम्पोर्टेंट कंट्रीज, इट इज अबाउट स्पोर्ट्स टेन्योर्स फर्स्ट एंड लास्ट. उसके बाद और देख लीजिए, हेडक्वार्टर्स पूछ लिया गया आपसे, एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, देन यू हैव अगेन स्पोर्ट्स. उसके बाद कुछ बेसिक साइंस आपसे पूछी गई, कैपिटल कंट्रीज अगेन फेमस प्लेसेस एंड लोकेशंस पूछ लिए गए हैं, G7 कंट्रीज के बारे में पूछा गया है, रिवर्स फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी. सो इट इज ऑल वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन जो आपसे FCAT में पूछे जाते हैं. यू डू नॉट नीड टू स्टडी. अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखें, सो देखिए वायरसेस उनके डिजीजेस से पूछा गया है, गोल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन जो रिसेंट गेम जो आपके करंट अफेयर्स में, जैसे इस समय ओलंपिक से पूछा जा सकता है, सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट. देन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स पूछे गए हैं, डिफेंस में आपका मिसाइल्स एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया व्हिच इज ऑलमोस्ट आस्क्ड, एंड स्टडीज ऑफ ऑल ब्रांचेस इज आस्क्ड. अगेन दूसरे क्वेश्चन पेपर में हम देखें, सो इट इज ऑल अबाउट वेरी बेसिक क्वेश्चंस. नेशनल एम्बलम हो गया हमारा, जनपथ अवार्ड हो गया, देन द अवार्ड्स एंड प्राइजेस पूछे गए हैं. इट इज अबाउट स्टैटिक पोर्शन है ज्यादातर फोकस्ड, इट इज अबाउट डायनेस्टीज, ठीक है, देन कंट्रीज, इंडियन स्टेट से ही क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं. सो हियर यू कैन बेसिकली चेक कि इस तरह के टॉपिक्स आपके FCAT एग्जामिनेशन से आते हैं. सो इसमें आपको लिटरली हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू मग अप एक जो इसमें काम आने वाला है. सेकेंड इज कि आपको बस वही स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने जिनसे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाए. इफ यू स्कोर 30-35 प्लस ऑल्सो और बाकी सेक्शंस में भी आप अच्छा करते हैं, देन ऑल्सो इट इज गुड फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सो कोशिश करें कि अगर हम स्टैटिक पोर्शन अगर इनको कवर कर सके जहां से ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स. एंड करंट अफेयर्स के लिए वी आर मोस्ट अफ्रेड. सो जो लास्ट 15 दिन या 10 दिन में आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे वो ये होते हैं कि आपको इंडिया के और उसके नेबरिंग कंट्रीज के डिटेल्स कवर करने हैं, चाहे वो बाउंड्रीज फेमस बाउंड्री लाइंस के क्या नाम होते हैं, कैपिटल्स करेंसीज बॉर्डर्स
रिसेंट में करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई डील हुई है, एक्सरसाइज हुई है आर्मी से रिलेटेड, इवेंट्स देख सकते हैं, इस तरह की चीजें करंट एंड स्टार्टिंग में आप कवर कर सकते हैं. देन बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस वो ऑथर्स तो कवर करिए ही करिए, उसके अलावा करंट में आप जनवरी से जुलाई तक की 6 मंथ्स की बुक्स एंड ऑथर्स का कवर कर लीजिए. दैट इफ देयर एनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलीज सम बुक्स, तो ये आप कुछ फेमस रट सकते हैं, याद कर सकते हैं. देन इज योर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रिसेंटली कौन से मिले, इंडिया में पहले कितने थे, उनका एग्जैक्ट नंबर, प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, GI टैग्स हो गया, फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं, ठीक है. एंड एंशियंट से लेके आपको मॉडर्न तक कवर करना, यानी पुराने टाइम से लेके एंड मॉडर्न तक, तो ये आपके हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं से फ्रेम हो जाते हैं. देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपने कवर कर दिया, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके समिट, कंट्रीज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज इन्वॉल्व, ये सारा आप कवर कर सकते हैं. एक ही टॉपिक से सिमिलर है क्वेश्चंस. देन अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की शफलिंग हुई है, रिसेंट उनमें क्या एक्ट्स हुए, अमेंडमेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हमेशा स्पेसिफिकली पूछा गया है, और रिसेंट में तो काफी ज्यादा शफलिंग हुई है. देन फर्स्ट एंड लास्ट इसमें जा सकते हैं कि आप प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस थे, कौन मिनिस्टर था, देन कौन हमारा जो है वाइसरॉय थे, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एफकैट के पेट क्वेश्चंस रहे हैं. स्पोर्ट्स में तो आपको सारे करंट अफेयर्स के फैक्ट्स अगेन जनवरी से जुलाई तक, एंड देन स्टैटिक फैक्ट्स जैसे आपके स्टेडियम्स हो गए, स्पोर्ट्स टर्म्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हो गए. अभी ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, पहला गोल्ड मेडल कब मिला था, कौन लेके आया था, इंडियन प्लेयर्स के नाम, किन किन को ओलंपिक में मेडल्स मिला, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. देन जनवरी से जुलाई आपको इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स कवर करने हैं. देन अपॉइंटमेंट से ही आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन इंपॉर्टेंट फील्ड्स भी याद करने हैं, विच आई वाज डिस्कसिंग, जैसे इंपॉर्टेंट वॉइसराइज हो गए, गवर्नर जनरल्स हो गए, पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स आपको देख लेने हैं, ठीक है. देन फर्स्ट इन इंडिया फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये आपको कवर करना है. ओलंपिक का मैंने बता दिया, करंट एंड स्टैटिक फैक्ट्स दोनों कवर करने हैं. देन इन इंडिया वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है. रिसेंटली कई सारी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स ऐड हुए हैं, सो मेक श्योर यू आर रीडिंग द अपडेटेड वन, ठीक है. स्पेसिफिक लोकेशंस में ऐड हुए, जैसे नाउ असम इज हैविंग 7 नेशनल पार्क्स, तो वो आपको देखने, उसमें से कुछ को वर्ल्ड हेरिटेज का रिकॉग्निशन मिला हुआ है, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. देन यू हैव, यू कैन बी आस्क निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, सिटीज, रिवर साइड सिटीज, इस तरह के, ये सारे बिल्कुल जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दीज आर पेट क्वेश्चंस फॉर एफकैट, जो शॉर्ट शॉर्ट पूछे ही जाते हैं. देन यू हैव स्टेट्स में आप माउंटेन्स देख सकते हैं, माउंटेन पीक्स देख सकते हैं, फेमस लेक्स देख सकते हैं, रिवर्स हो सकता है, फेमस प्लेसेस उस स्टेट के, डैम्स हो सकते हैं, ठीक है, डांस फॉर्म्स हो सकते हैं, ट्राइब्स हो सकते हैं, फोक सॉन्ग्स हो सकते हैं, ये आपको स्टेट के रेफरेंस में पता होना चाहिए. देन अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूं, सो मुगल एम्परर पेट टॉपिक रहा है एफकैट का, इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स किस मुगल एम्परर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन सी हुई हैं, और उनके टाइम पे कोई फॉरेन विजिटर्स आए हैं तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए. अगेन पेट टॉपिक्स होते हैं महावीरा एंड बुद्धा के फैक्ट्स, इनके यू नो आइडेंटिफिकेशन, पेरेंट्स, बर्थ प्लेस, देन इनके काउंसिल्स इंपॉर्टेंट हुए, कहाँ कहाँ पे काउंसिल्स हुए हैं, फैक्ट्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमेशा से क्वेश्चन इंडस वैली तो पूछा ही जाता है, महावीरा एंड बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन आप हर बार देखेंगे एफकैट में, आपको एक से दो मिल जाएगा. कमिंग टू साइंस सेक्शन लीजिए, तो रिसेंट कुछ केमिकल फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स आप ध्यान रख सकते हैं. देन अभी पैंडेमिक चल रहा है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी बैक्टीरिया या वायरस से होता है, इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, इनके स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं. देन इंडिया एंड वर्ल्ड में लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाइएस्ट, यू नीड टू कवर दिस. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आप कवर कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन में वर्ल्ड एंड इंडिया के हैं. देन पोर्ट्स आप कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हो, कौन से स्टेट में है, स्पेस सेंटर्स हैं कुछ सिटीज में, ये आपको कवर करना है. अवार्ड्स एंड ऑनर जनवरी टू जुलाई, इसके अलावा स्टैटिक फैक्ट्स की हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली. इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया की किसी पर्सनालिटी को अवार्ड मिला है, सो यू शुड कवर दैट एज वेल. एंड देन वी हैव गवर्नमेंट स्कीम्स, उनके कोई इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, तो ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इनमें आपको ज्यादा, अगर आपको आंसर पता होगा तो MCQ में से आप डायरेक्टली जो है आंसर्स को टिक आउट कर सकते हैं. एंड देन डिफेंस डील्स, एक्सरसाइजेस एंड स्टैटिक डिफेंस करंट अफेयर्स तो बिल्कुल मत भूलेगा, ये तो इम्पोर्टेंट ही है. सो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
थे जो आप कवर कर सकते हैं. एंड अगर आप अभी एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको अगर मटेरियल की शॉर्टेज है, तो अब भी बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, आप इसे अवेल कर सकते हैं. एफकैट के बाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं एएफएसबी के लिए, एएफएसबी की प्रिपरेशन के लिए, सो एवरी डे वाइज प्रिपरेशन वी आर गिविंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी आर रिसीविंग फिनोमिनल रिजल्ट्स. एंड इंडिविजुअल टेस्ट की प्रैक्टिस बुकलेट्स हमारे पास हैं, मतलब एन नंबर ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे फॉर ऑल द एसएसबी टेस्ट दैट आर देयर. एएफएसबी के पर्सपेक्टिव से आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव मोर देन 1000 प्लस कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग विद अस फॉर एएफएसबी. यू ऑल्सो कैन स्टार्ट योर एएफएसबी प्रिपरेशन विद दीज इंडिविजुअल बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स. एंड ऑल यू कैन गेट इज बाय डाउनलोडिंग द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर बोथ. And I hope most of you get recommended this year and wear the uniform soon. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.